नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीताम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत है, जो कि किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन भाई बहनों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं आज की इस क्लास की तरफ। तो हो जाइए तैयार पेन कॉपी कलम लेकर और आपके आंसर्स देने के लिए। चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम या सभी? आपके ऑप्शंस में से आपके आंसर आना चाहिए। जी बिल्कुल, जिनके आंसर यदि आ रहा है उपरोक्त सभी सही है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम ये तीनों के तीनों क्या हैं? हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा है? जी फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा है? आलू की पत्तियों का मुड़ना, कपास का विल्ट, चावल में तुषार, आलू में भूरी शणाद। बताइए आंसर। जिन भाई बहनों को आंसर मेरा अगर बी आ रहा है तो आप एकदम सही हैं, क्योंकि कपास का विल्ट ये कवक से होता है, ये कवक संबंधी रोग है। कपास का विल्ट जो कॉटन का होता है वो पेड़ पौधों में ये पाया जाता है। अगला देख लेते हैं, परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। जो परमाणु विखंडन होता है उस प्रक्रिया के या प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग हम कर पाते हैं किस रूप में? ईंधन के रूप में, बिजली बनाने में, ताप पैदा करने में, यानी में से कोई नहीं। जी आंसर जिनका आ रहा है बिजली बनाने में, एकदम सही है आंसर आपका, सही है बिजली बनाने में एकदम सही आंसर है। परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का हम प्रयोग बिजली अर्थात आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है? गैसों के प्रसरण का उदाहरण बताइए, खाने की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू, इत्र की खुशबू या सभी? जी बिल्कुल सही है, जिन भाई बहनों का आंसर अगर सही सभी आ रहा है तो एकदम सही है आपका, एकदम सही है ये वाला उपरोक्त में से सभी, ये एकदम सही आंसर है आपका, क्योंकि सभी में प्रसरण होता है जिसे आप विसरण के नाम से भी जानते होंगे। निम्न में से किस में अधिक ताप होता है? बर्फ, उबलते पानी में, भाप में या सभी में? सबसे अधिक ताप वाली आपको बताना है, किस चीज़ में सबसे अधिक ताप होगा? जी फिफ्थ वाला आंसर। जी जिनका आ रहा है सी, एकदम सही हैं आप, यदि आपका सी आंसर है तो आप करेक्ट हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, आपने पढ़ा होगा, तो इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा ताप भी भाप में ही होती है, स्टीम में। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी हैं, यानी एपिडेमिक एंड एंडेमिक? बताइए, टाइफाइड, हैजा, पोलियो, खसरा? जी उम्मीद करती हूँ आंसर आपको आ गया होगा। जी बिल्कुल, जिन भाई बहनों को आंसर अगर बी आ रहा है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हैजा एक ऐसी बीमारी है जो एपिडेमिक एंड एंडेमिक दोनों ही होती है, अर्थात ये महामारी के रूप में भी फैल जाती है और ये स्थानिक बीमारी के रूप में भी होती है, इसलिए हैजा एकदम सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्राफीन के बारे में सही नहीं है? निम्न में से कौन सा ग्राफीन के बारे में सही नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, कार्बन के एलोट्रॉप, दूसरा ऑप्शन है थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, तीसरा ऑप्शन है परमाणु जाली के रूप में, चौथा ऑप्शन है हनीकॉम स्ट्रक्चर। यस आंसर। जी बिल्कुल सही है, जिन भाई बहनों का आंसर यदि बी नंबर का आ रहा है तो एकदम सही है, 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो होता है, एकदम सही आंसर है आपका, 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर बी आंसर आपका एकदम सही है। नेक्स्ट देखते हैं, रेजिन क्या है? रेजिन क्या है? एक बहुलक, एक वायरस, एक मेलवेयर, एक सर्च इंजन? पॉलीमर, वायरस, मेलवेयर एंड सर्च इंजन, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस ओके इट्स, जिन भाई बहनों का आंसर यदि आपका आ रहा है एट्थ वाले का सी, एकदम सही आंसर आ रहा है, यदि एट्थ वाले का सी आ रहा है तो एकदम सही है, ये मेल वेयर होता है, रेजिन एक मेल वेयर होता है, मेल वेयर ठीक है ना, जैसे सॉफ्टवेयर होता है उस टाइप में मेल वेयर होता है, लेकिन उसका काम कुछ अलग होता है, इसके बारे में आप कहेंगे तो चर्चा विस्तार से भी हो जाएगी। लीफ आई के लिए गलत कथन कौन सा है? लीफ आई के लिए गलत कथन कौन सा है? यह एक प्रकाश आधारित संरचना या सॉरी संचार प्रणाली है, सेकेंड ऑप्शन है यह एक वायर कनेक्शन है, थर्ड ऑप्शन यह है बिड्रेक्ट नाली सॉरी यह
बिट्रेक्टानिल कल संचार पर आधारित है, और चौथा रेडियो आवरी संकेतों का उपयोग करता है। व्हाट इज दिस? यस, योर आंसर इज राइट आंसर। यस, बी नंबर इज़ अ राइट आंसर। बी ऑप्शन इज़ अ राइट ऑप्शन। यह एक प्रकार का वायर कनेक्शन है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा अणु कौन सा होता है? व्हाट इज़ द वीकेस्ट? यस, सबसे बड़ा अणु कौन सा होता है? गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम, गुणसूत्र वन क्रोमोसोम, गुणसूत्र टू क्रोमोसोम टू, गुणसूत्र थ्री क्रोमोसोम थ्री, गुणसूत्र फोर या क्रोमोसोम फोर। आंसर आपका कौन सा होना चाहिए? जी, आंसर आपका यदि आ रहा है जिन भाई बहनों का फर्स्ट वाला, तो एकदम सही है वो, गुणसूत्र वन क्रोमोसोम, एकदम सही आंसर है आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं, पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? पहले प्रकाश की, सबसे पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? मार्क आरोशन, ओलांश रोमर, एडविन हवल या टाइको ब्राहे। यस, आंसर जी, आंसर यदि बी है तो आप बहुत सही हैं। आंसर यदि आपका बी आ रहा है तो एकदम सही है आपका, बी आंसर एकदम सही, ओलांश रोमर एकदम सही है, इन्होंने सबसे पहले प्रकाश की गति को मापा था। नेक्स्ट, गिरगिट रंग क्यों बदलता है? गिरगिट रंग क्यों बदलता है? अन्य जानवरों से बचने के लिए रंग बदलते हैं, दूसरा है गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं, तीसरा है गिरगिट वातावरण के प्रति संकेत के रूप में रंग बदलते हैं, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर आपका क्या है? जी बिल्कुल, जिन भाई बहनों का आंसर यदि आ रहा है वी, एकदम सही है, गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं अपने आप को मौसम, और हाँ एक बात और है, ये अपने आप को छुपाने के लिए, प्रकृति में अनुकूलित करने के लिए भी रंग बदलता है, ठीक है ना। ये आंसर भी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, के इकाई को निम्नलिखित में से मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? के किसका मात्रक है? इलेक्ट्रॉन, ध्वनि, तापमान या इनमें से कोई नहीं। 13th का जी बहुत ईजी आंसर है, शी जिनका आ रहा है एकदम सही है, के मीन्स केल्विन, और केल्विन तापमान की इकाई होता है, इसलिए तापमान ये सही है, तापमान केल्विन, ठीक है ना, केल्विन ये तापमान की इकाई है, इसलिए ये तापमान की इकाई है, इसलिए सही हो जाएगा के संकेत। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, विटामिन बी वन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन बी वन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? जी बिल्कुल, डी एकदम सही है, विटामिन बी वन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स, रतौंधी, रक्तअल्पता है, बेरी बेरी, जिनका आंसर डी आ रहा है एकदम सही है, आप एकदम सही हैं भाई, यदि बेरी बेरी आंसर है तो राइट आंसर है बेरी बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइनो वायरस की वजह बनता है आम जुकाम, सिर दर्द, कफ या घुटनों में दर्द? 15th का आंसर जी, जिन भाई बहनों का आंसर यदि फर्स्ट आ रहा है एकदम सही है, राइनो जुकाम वायरस की वजह से बनता है, वो है आम जुकाम, जो है वो राइनो, जो आपका यदि सिंपल सा जुकाम होता है वो राइनो वायरस की वजह से होता है, राइनो वायरस होता है वो जुकाम के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी स्टार क्वीन या स्टार क्वीन नेबुला के रूप में भी जाना जाता है, बताइए, मैसियर 16, मैसियर 5, एनसीजी 3372, एनसीजी 3293। व्हाट इज आंसर? यस, योर आंसर, ओके, कटिया, फर्स्ट आंसर इज अ राइट आंसर, सो मैसियर 16 इज अ राइट आंसर, सो इट इज अ राइट आंसर, मैसियर 16, ओके। नेक्स्ट, कितना कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, यानी मस्तिष्क द्वारा कितना ऑक्सीजन और कितना रक्त का इस्तेमाल किया जाता है? 20.00%, 50%, 75%, 35%, बताइए आंसर। यस, 17 आंसर जी, बिल्कुल सही है, ओनली 20%, अजन भाई बहनों का आंसर आ रहा है एकदम सही है आप, 20% मस्तिष्क यानी कुल मिला के ऑक्सीजन और शरीर रक्त में जो होता है ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा जो इस्तेमाल किया जाता है वो 20% किया जाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? आप समझ सकते हैं, आपने पढ़ा भी होगा जी, बताइए, बिल्कुल सही है, पटेला, स्टपीज, टिबिया या ह्यूमरस, बताइए, स्केलन सिस्टम पढ़ा होगा तो आपने बिल्कुल जानते होंगे आप लोग जी, बिल्कुल सही है, इनका आंसर आ रहा है बी, बहुत सही है, स्टपीज होती है, स्टपीज सबसे छोटी हड्डी होती है, स्टपीज ये वाली हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है ना, और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है इसे आप कमेंट करके बताएं, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है इसे आप कमेंट बॉक्स में करके बताएं जी। अगला क्वेश्चन,
मात्र दो ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं? नाखून और कॉर्निया, त्वचा और मस्तिष्क, उंगलियां और नाक, पैर और भुजा। बताइए ऐसे कौन से दो ऊतक हैं जो खून से ऑक्सीजन नहीं लेते हैं? जी 19 नंबर यानी 19 का बिल्कुल सही है, नाखून और कॉर्निया, यानी जो आँख में होती है कॉर्निया, और जो नाखून यानी नेल्स, ये दोनों ही आपके ऐसे हैं जो ऑक्सीजन खून से कभी भी ग्रहण नहीं करते हैं। जिन भाई बहनों का यदि बेस्ट आंसर है तो वो एकदम सही हैं, और आप बिल्कुल कमेंट करके बताएं कि आपके आंसर्स कितने सही हुए हैं। क्वेश्चन आपके सामने हैं, आँख का कौन सा भाग आँख के रंग को निर्धारित करता है? पुतली, आयरिस, कॉर्निया, आईलिट। व्हाट इज दिस आंसर? योर बड़ज आंसर, यस 20th वी आंसर, एक्सक्लूडरी राइट, एक्सक्लूडरी राइट बी आंसर इज एकदम राइट आंसर है आपका बी नंबर, क्योंकि ये आयरिस जो होता है ये हमारी आँख के रंग को निश्चित करती है, निर्धारित करती है। भाई बहनों आशा उम्मीद करते हैं आज के आपको क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे होंगे और इससे आपको बहुत सी जानकारी मिली होगी, इसीलिए आप आगे इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए पीतम्बरा एजुकेशन चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, और हाँ कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।